हेलो फ्रेंड्स, आई एम राहुल एंड वेलकम टू द चैनल ई सी एल ई। एवरीबडी कैन लर्न इंग्लिश, हर कोई अंग्रेजी सीख सकता है। स्वागत है इस चैनल के ई सी एल ई के। और आज मैं जो पार्ट टू में जो रह गया था आपके स्टोरी, वो मैं कवर करूँगा 5 से 10 मिनट की क्लास में। क्लास ज़्यादा लंबी नहीं रहेगी, शॉर्ट ही क्लास रहेगी, क्योंकि इसका पार्ट टू है। और कल हम कुछ स्पेशल सेंटेंस भी लेंगे पास्ट एंड डेफिनेट के, उसके बाद हम फ्यूचर वाले पढ़ेंगे दिवाली को या फिर दिवाली के बाद। ओके, सो इस क्लास के लिए अगर आप नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आपने क्लास को नहीं देखा है, जो पार्ट वन और पास्ट इंडेफिनेट की क्लास को, तो आप पास्ट इंडेफिनेट क्लास को भी ज़रूर से ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए यूज़फुल रहेगा। और आप इस प्रकार की जो देख रहे हो, इस प्रकार की आप स्टोरी भी बना सकते हैं, और यह आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहेगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा स्पोकन इंग्लिश के पर्पज से। और इसमें थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंट भी बिल्डअप होगा कि यस, आई कैन लर्न इंग्लिश एंड आई एम इम्प्रूविंग एंड आई कैन लर्न इंग्लिश, आई कैन स्पीक इंग्लिश फॉर एवरीवन या एवरीवेयर। ओके, सो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। छोटी सी क्लास है, 5 से 10 मिनट की क्लास रहेगी आपका, ज़्यादा मैं टाइम नहीं लूँगा, क्योंकि फिर मुझे स्पेशल सेंटेंस भी लेना है, और हो सकता हूँ मैं फ्यूचर भी ले आऊँ डायरेक्ट अगर मुझे लगेगा तो स्पेशल, और मिक्स सेंटेंस भी मैं ला सकता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। तो जो ये स्टोरी है, जो 5 से 5-6 लाइन की जो स्टोरी है, तो ये स्टोरी एक लड़की के बारे में जिसका नाम क्या है, राजा है। आप किसी का भी नाम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप खुद की अगर स्टोरी बनाओगे खुद के बारे में तो आपको ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि आप अपने बारे में जब लिखोगे तो आपको समझ में भी आएगा और आप बोलने का भी प्रयास करना, ठीक है। तो यह भी आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगा। और आपको मैं होमवर्क बता दूं कि आपको होमवर्क यही है, आपको स्टोरी बनानी है, ऐसी लिख लेना हिंदी और अंग्रेजी में, ऐसी स्टोरी अच्छी सी लिख लेना, और आपको इसकी फ़ोटो खींच कर ग्रुप में डाल देना ई सी एल ई के टेलीग्राम चैनल पर। आपको पता है ई सी एल ई के टेलीग्राम चैनल, और इस पर आपको ग्रुप में डाल देना, उसको सेंड कर देना, और ये ताकि मैं देख सकूं, और आपके लिए भी यह यूज़फुल होगा, आपका भी कॉन्फिडेंट बिल्डअप होगा कि मैं इतनी लाइन की स्टोरी बना सकता हूँ। कुछ दिन पहले, 1 महीने पहले, जब मैं कुछ नहीं जानता था मैं, या फिर मैं अंग्रेज़ी कैसे बोलूं या कैसे स्टोरी बनाई जाती है, कैसे सेंटेंस बनाए जाते हैं, कैसे 1 की 6 सेंटेंस बोले जाते हैं, कैसे मिक्स सेंटेंस बोले जाते हैं, आप 1 महीने पहले आपको जानकारी नहीं होती थी, लेकिन अब आपके लिए कॉन्फिडेंट बिल्डअप है कि यस, यू कैन लर्न इंग्लिश, यू आर इम्प्रूविंग समथिंग। ओके, सो स्टोरी है राजा के बारे में। तो राजा सुबह 6 बजे उठा, फिर उसने ब्रश किया और नहाया, फिर वह स्कूल गया। कुछ समय बाद उसने स्कूल में खाना खाया, फिर उसने पढ़ाई की। स्कूल के बाद वह घर आया और उसने पानी से मुँह धोया और वह गाँव में घूमने गया। फिर राजा ने शाम को चाय पी और उसने पढ़ाई की, फिर उसने रात को खाना खाया, फिर वह सो गया। छोटी सी स्टोरी, फिर वह सो गया। हिंदी में स्टोरी मैंने आप बोर्ड पर जो पढ़ी है, आपको छोटी सी छोटी चीज़ें मेंशन करनी है, इंक्लूड करनी है, जो आपको वॉकअप की दिक्कत आए। तो बहुत सारे गूगल पर जो प्ले स्टोर पर जो ऐप्स हैं ट्रांसलेशन के, आप उनका भी सहारा ले सकते हैं। तो सहारा सिर्फ जो पैराग्राफ आपको ट्रांसलेट नहीं करना है, जिसकी मीनिंग ना आए उसका आपको ट्रांसलेट कर लेना है। तो अगर मैं एक रिकमेंडेशन करूं, ये कोई प्रमोशन नहीं है किसी ऐप का, लेकिन मैं जो यूज़ करता हूं, मैं गूगल ट्रांसलेट यूज़ करता हूं, सबसे अच्छा गूगल ट्रांसलेट मुझे लगता है, क्योंकि मैं 2-3 सालों से यूज़ कर रहा हूँ, और इसके बहुत सारे एंटोनिम भी और सिनोनिम वर्ड्स भी आ जाते हैं, सिमिलर वर्ड्स भी आ जाते हैं, और सेंटेंस भी आ जाते हैं। तो सेंटेंस तो ठीक है, लेकिन अगर आप हिंदी में डालोगे तो उसको इंग्लिश में आ जाएगा, और इंग्लिश में डालोगे तो हिंदी में आ जाएगा ट्रांसलेट, अदर लैंग्वेज में भी आ जाएगा। लेकिन अपन को हिंदी से इंग्लिश कर रहे हैं, तो हिंदी टू इंग्लिश में बहुत ही ज़्यादा आपके लिए यूज़फुल रहेगा। कुछ लोग इसका यूज़फुल यूज़ भी कर रहे हैं। तो ओके, तो जिसकी मीनिंग ना आए तो मीनिंग सर्च कर लेना, लेकिन आपको कोशिश एक बार जरूर करना है। बोलते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। ओके, तो आप कोशिश करिए, प्रयास करिए, तो आपका जरूर होगा, आपको डीमोटिवेट फील नहीं करना है। ओके, तो स्टोरी हम पढ़ेंगे, स्टोरी जो छोटी सी है, राजा वोक अप 6 o'clock। तो इसमें देखो कि जो उठने की जो मीनिंग है, उठा,
राजा उठा, तो इसका इसकी इंग्लिश मीनिंग होती है वॉकअप, ओके। एंड ही ब्रश्ड, उसने क्या किया, ब्रश्ड किया। एंड बाथ, उसने नहाया, ओके। एंड ही वेंट टू स्कूल, वेंट सेकेंड फॉर्म पता ही है, वेंट टू स्कूल। आफ्टर सम टाइम्स ही एट फूड, उसने खाना खाया। एंड ही स्टडी, उसने पढ़ाई की, ओके। इन स्कूल आफ्टर स्टडी ही केम होम, ही केम होम, ही केम होम। एंड ही वॉश्ड माउथ, उसने मुंह धोया। फ्रॉम वाटर, किससे, वाटर से। एंड ही वेंट टू विजिट, विजिट मीन्स क्या होता है, घूमना। इन विलेज अगेन राजा टुक टी, देखो ध्यान रखना, राजा ने चाय पी, तो हम चाय पीने के लिए हम टेक के यूज़ करते हैं, टेक टुक टेकन, ओके। क्योंकि छोटी सी मात्रा जो हम शिप के माध्यम से पीते हैं उसका हम टुक बोलते हैं, उसको हम पीते नहीं हैं ना। तर इसमें ज़्यादातर आया था कि राजा ड्रिंक टी, ड्रिंक नहीं आना, ध्यान रखना आप, क्या आना, टेक का सेकेंड फॉर्म है टुक, राजा टुक टी। और अगर हम पानी पीने की बात करें या फिर अगर हम जूस पीने की बात करें तो हम एक बार में जूस पी जाते हैं, लेकिन हम चाय को नहीं पी सकते, उसका हम सिप लेते हैं, सिप चाय की, क्या बोलते हैं, चाय की चुस्की, चाय की चुस्की लेकर पीते हैं उसे, हम क्या बोलते हैं, उसको हम लेते हैं, उसको हम लेते हैं, पीने के सेंस में इसका यूज़ नहीं होता है, वो वाला पीना नहीं समझ रहे, डंग वाला, ओके। तो ये राजा टुक टी, ओके। इन इवनिंग एंड ही एट डिनर, उसने खाना खाया, तो ही एट डिनर एंड ही स्लेप्ट, स्लेप्ट मीन्स क्या होता है, स्लेप्ट मीन्स वह सो, उसने फिर वह सो गया, सो गया, ध्यान रखना, सो गया, सो गया, ओके। तो सो गया का पूरा मीनिंग क्या है, स्लेप्ट। तो मैंने जो कुछ जो जो वर्ब से भी है, मैंने उसको भी मैंने आपको बता दिया कि कैसे वर्ब मैंने हाईलाइट कर दी है यहाँ इसमें, तो आपको भी इसी प्रकार से स्टोरी बनानी है, और आई होप इट विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहेगा अगर आप इस क्लास को अच्छे से देखते रहे, ECLE को, ECLE की चैनल को, और जो वीडियोस हैं उसको देखते रहे, प्रैक्टिस करते रहे, तो ज़रूर ये यूज़फुल होगा और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगा स्पोकन के पर्पज़ से। क्योंकि जो मैं क्लास पढ़ा रहा हूँ वो स्पोकन के लिए क्लास पढ़ा रहा हूँ, तो मैंने बताया था कि ग्रामर तो आप पढ़ लोगे, आपके लिए प्रैक्टिस करनी जरूरी है। प्रैक्टिस के लिए ECLE टेलीग्राम चैनल, इसका लिंक हर बार मैं बताता हूँ कि ग्रुप के जो डिस्क्रिप्शन है, सॉरी चैनल का जो डिस्क्रिप्शन है और कमेंट सेक्शन है, उस समय भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आप ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर आप रिकॉर्डिंग भेजिए, आप वहाँ पर फ़ोटो भेजिए जो आपने सेंटेंस बनाया है, तो आपको मज़ा आएगा उसमें करने में। और ही बच्चे भेजते हैं तो आप उनको भी इस ECLE को भी ज्वाइन करें, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा जरूरी है, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, ओके। सो आज की ये शॉर्ट क्लास थी, आपको क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको लगता है कि यस दिस वीडियो इज़ वेरी यूजफुल फॉर अदर्स, यह वीडियो दूसरों के लिए, दूसरे मतलब आपके जो रिलेशन में है, आपके दोस्त हैं, आपको या फैमिली में जो भी अंग्रेजी सीखना चाहता है तो यूज़फुल है, तो आप उनको भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, आप उनकी इंग्लिश भी आप इम्प्रूव कर सकते हैं, और यदि चैनल वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को लाइक कर सकते हैं, चैनल वीडियो अच्छी ना लगी हो तो वीडियो को डिसलाइक का ऑप्शन भी ऐसे वाला, तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, तो यू हैव द मैनी ऑप्शन, ओके। तो अगर आप डिसलाइक करें तो आप बता दीजिए कि इस वीडियो में क्या ख़राब है, दैट्स व्हाई आई एम डिसलाइकिंग यू, तो आप डिसलाइक करें या लाइक करें, आप रिस्पॉन्स जरूर करें। तो मिलते हैं कल, टिल देन टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अपना खूब सारा ख्याल रखें।